उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महज तैतीस सीटें मिली और उसके गठबंधन को मिला दीजिए तो 36 सीटें लेकिन ऐसा कैसे हुआ बार बार रिपोर्ट्स तैयार कराई गई दोस्तों 4 जून से लेकर लगातार अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स पहुंच रही थी कभी शहरी इलाकों की रिपोर्ट कभी ग्रामीण अंचल की रिपोर्ट कभी वार्ड की रिपोर्ट कभी मंडल की रिपोर्ट कभी कभी नगर निगमों से रिपोर्ट तो कभी सेक्टर की रिपोर्ट इतनी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई उन सारी रिपोर्ट्स में एक बात बड़ी कॉमन है वो क्या है कॉमन बात ये है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सटिंग विधायक थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे इन लोगों ने चुनाव हरवा दिया इन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया जितना सपोर्ट इनको करना चाहिए था क्योंकि कई विधायक खुद लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए कई विधायक अपनी बात सुने ना जाने से नाराज थे इसलिए उन्होंने मदद नहीं की ज्यादातर प्रत्याशियों ने यह बात कही है कि लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं जो विधायक हैं जो ब्लॉक प्रमुख हैं जो चेयरमैन हैं इन तमाम लोगों ने बीजेपी का विरोध किया और चुनाव में हार मिली आप चाहे राघव अकनपाल को देख लीजिए चाहे आप रविंद्र कुशवाहा को देख लीजिए चाहे मोहनलालगंज में कौशल किशोर को देख लीजिए तमाम नेताओं ने कुछ लोगों ने दबी जुबान तो कुछ लोगों ने खुलकर ये बात कह दी है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनकी मदद नहीं की और अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है दोस्तों 14 जुलाई को इसी 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें यह मंथन होगा कि आखिर हम चुनाव कैसे हारे मंथन उसमें कई मुद्दों पर होगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई विधायकों ने चुनाव हरवा दिया है क्या वाकई जो मंत्री थे वो अपने अपने गृह जनपद में नहीं जिता पाए वो मंत्री जो अलग अलग जिलों के प्रभारी थे वो वहां नहीं जिता पाए तो अगर नहीं जिता पाए तो फिर कार्रवाई भी तो होगी जो विधायक और मंत्री चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं वो कार्रवाई के लिए भी तो तैयार रहें जब एक्शन होगा तो उन पर भी तो होगा क्योंकि रिपोर्ट तो सबके बारे में बनी है सबके प्लस माइनस पॉइंट्स भी बनाकर आला कमान को भेज दिए गए हैं और अब कहा तो दोस्तों यहां तक जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 100 विधायकों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर ली है भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद ये समीक्षा कर रहे थे अलग अलग सीटों पर जाकर कि आखिर चुनाव में हार क्यों मिली उन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कई सीटों पर विधायकों ने चुनाव हरवाया है और अब कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सौ से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट पर दो में खतरा मंडराने लगा है अब विधायक बेचैन है वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इस लिस्ट में उनका नाम तो नहीं है और कहा तो दोस्तों ये भी जा रहा है कि 14 जुलाई के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक टॉप टू बॉटम चेंज हो जाएगा प्रदेश अध्यक्ष बदल जाएंगे प्रदेश के कई बड़े पदाधिकारी बदल जाएंगे कई ज़िलों में जिलाध्यक्ष बदल जाएंगे कई मोर्चों के जो अध्यक्ष बने हैं वो बदल जाएंगे इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में सरकार के स्तर पर भी कई बदलाव होंगे कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है कई नए चेहरों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है और उससे भी पहले उससे भी अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उस उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा किसे टिकट मिलेगा इस पर भी मंथन होना है यानी 14 जुलाई की बैठक बेहद अहम है और सबसे बड़ी बात कि प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं जेपी नड्डा भी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे मुलाकात करेंगे और कई हारे हुए प्रत्याशियों से भी मुलाकात कर सकते हैं ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आखिर चूक कहाँ पर हुई आखिर कमी कहाँ रह गई वो भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन का दावा करती थी जिस भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में प्रधान से लेकर जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख एम एल एम मिनिस्टर सांसद सब कुछ भाजपा के थे जिला पंचायतों में अध्यक्ष भाजपा के थे उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्यों हार गई एक वजह इसमें यह भी बताई जा रही है कि प्रशासन ने उतना सहयोग नहीं किया जितना सहयोग प्रशासन आमतौर पर सत्ताओं को करता रहा है और एक तरफ वजह यह बताई जा रही है कि विधायकों ने चुनाव हरवा दिया क्योंकि विधायक काफी नाराज थे क्योंकि थाना कोतवाली में सुनवाई नहीं होती है बहरहाल दोस्तों तमाम वजह हैं जिन वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और भाजपा उस पर लगातार मंथन भी कर रही है संगठन में बदलाव भी करेगी लेकिन विधानसभा के चुनाव में टिकट कटेंगे इतना सुनकर विधायकों का पसीना छूट गया और वो अभी से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक परिक्रमा कर रहे हैं कि कहीं इस लिस्ट में उनका नाम तो नहीं लिखा है दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम कारणों की वजह से अपने ही विधायकों की वजह से चुनाव हार गई है अगर आपकी अपनी कोई राय है तो हमें राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा फिलहाल के लिए इतना ही मेरा नाम चंद्रकांत है ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे